A'udhu billahi minash shaitanir rajeem. Bismillahir rahmanir rahim. Hello viewers, we are to talk about awareness of good bad touching. And we are to be very careful to tell our kids that what is good touch, because jo body hai, that is very special for everyone. Aur usme baat ukat ऐसी चीज़ें हैं जो फील चिल्ड्रन फील वेरी प्लेजेंट एंड व्हाट दोज आर. तो उसमें शेक हैंड एक अच्छा टच है, और पैटिंग एक अच्छा टच है जो बड़े अपने छोटे बच्चों को करते हैं, या फिर यह है कि दोस्त जो है ना, फ्रेंड्स, वो एक दूसरे को पैटिंग कर रहे होते हैं, थपथपी देना, और जेस्चर से भी अंदाज़ा हो रहा था कि उसमें मूड क्या है, और खुशी से और एनकरेजमेंट से ये चीज़ें जो है ना, वो बच्चों के लिए इसको समझना ज़रूरी है. और बाज़ोकात ऐसा होता है कि कुछ टचेज़ ऐसे हैं जिसमें खौफ की अलामत होती है, गुस्से की अलामत होती है, और वो इम एप्रोप्रिएट लग रही होती है. और जैसे पुश करना है, जैसे इस तरह से टच करना है कि वो लग ही रहा होता है कि दैट इज़ नॉट एक्यूरेट. और फिर यह है कि टच में जो है ना, वो हार्ट हार्श टचिंग है, जैसे चुटकी काटना है, जैसे यह है कि हाथ और बाजू को मरोड़ना है, और इस तरह की जो टचेज़ हैं, दैट इज़ नॉट गुड. और द अदर इज़ अनकम्फर्टेबल, बच्चा उसमें जो है ना, वो कम्फर्टेबल महसूस नहीं कर रहा. बाज़ औक़ात फ्रेंड्स दे आर डूइंग इन अ सेंस दैट दे आर फ्रैंक एंड दे आर डूइंग दीज थिंग्स. तो लेकिन एनी हाउ बच्चों को इसके बारे में क्लियर रहना चाहिए कि व्हाट इज़ गुड एंड व्हाट इज़ नॉट गुड टच. और जो उनको कंफर्टेबल करे, जो उनके लिए नुकसानदेह नहीं है, और वो तो ठीक है, लेकिन यह है कि जो उनके लिए नुकसानदेह हो सकता है, उनके लिए कोई बॉडी हार्म, कोई इसमें मसल्स टेंशन या कोई और इस तरह की जो खराबी है वो नज़र आए, तो उसमें बच्चों को बिजली जैन रहना चाहिए. और उसमें हम देख रहे हैं कि हगिंग, और यह है कि मैं अर्ज कर चुका हूँ शेक हैंड, और फिर यह है कि हैंड होल्डिंग, नॉट फॉर द लॉन्ग टाइम बट शॉर्ट टाइम, दैट इज़ प्लाजिबल एंड कंफर्टेबल. लेकिन उसमें इंटेंशन देखी जा सकती है कि अदर पर्सन व्हाट इंटेंशन है. इसमें अनकंफर्टेबल जो टच है, वो मैंने आपको बताया कि वी टू मेक अवेयर ओवर किड्स दैट दे टू बी विजिलेंट अबाउट इट, कि वो इस तरह से टचेज में दे शो देयर रेजिस्टेंस एंड अवॉइड दोज टचेज. बाज़ोकात ऐसा भी होता है कि बच्चे जो है ना, वो दे आर नॉट ओके, दे आर नॉट कम्फर्टेबल, वाई डू टच मी. बाज़ोकात जो है कि वो उसको सिर्फ टच करना भी पसंद नहीं है, या फिर दे गॉट इरीटेटेड. तो बाज़ोकात ऐसा होता है कि द एल्डर्स, यानी ऐसे बच्चे जहाँ पर ख़राबी का इम्कान है, तो वो ऐसा टच कर रहे होते हैं, जैसे यह है कि उसको हाथों से टच करना, और फिर यह है कि उसकी इंटेंशन पता चल जाती है. टू वी मेक देम अवेयर ओवर चिल्ड्रन कि वो ऐसे टचेज से अपने आप को दूर रखें, और पहले ही अलर्ट हो जाएं. एंड इफ़ दे आर फीलिंग अलोन एंड दे आर नॉट इन द पब्लिक और इन द ग्रुप, तो देन दे आर टू बी वेरी विजिलेंट अबाउट कि उनको कोई कैसे टच कर रहा है. सम टाइम यह है कि द पर्सन आर टचिंग दे आर प्राइवेट पार्ट्स, यानी यह है कि लेग्स को टच करना, या फिर यह है कि अदर प्लेसेस जो है ना, दैट इज़ नॉट फिजिबल टू टच बाई द अदर बॉडी, हम उसे पसंद ही नहीं कर रहे. बच्चों को बताना चाहिए कि वाट आर देयर नॉट गुड टचेज व्हेन एनीबॉडी इज टचिंग एट देयर प्राइवेट पार्ट्स. तो व्हाट देयर प्राइवेट पार्ट्स कौन कौन से हो सकते हैं, यानी बॉडी के, यानी बैक साइड पे और फ्रंट पे, व्हेन वी आर सिटिंग एंड दे आर टचिंग अस एंड दे आर टचिंग अनडिजायरेबल प्लेसेस ऑफ द बॉडी. तो ये ऐसी चीज़ें हैं जो हम खुद पसंद नहीं कर रहे, जो आम तौर पर देखने में इस तरह से नहीं होता, एंड वी आर फीलिंग इट ऑड, और हमें खुद भी लग रहा होता है, बच्चों को भी हम बताएं कि ऐसी टचेज से हम अपने आप को दूर रखें. और फिर यह कि ऐसी अगर कोई सूरत होती है,
तो हमें उस सूरत से सिचुएशन से अलग हो जाना चाहिए, या फिर यह है कि ऐसी जगह पर चले जाएं जहां पर और लोग मौजूद हैं, हमारे दोस्त हमारे जानने वाले लोग मौजूद हैं, तो उसमें यह है कि दैट इज़ अ वेरी सेफ प्लेस फॉर अस। और बच्चों को इसके बारे में ज़रूर आगाही देनी चाहिए ताकि बच्चे अपने आप को सेफ रख सकें और कोई ऐसा हादसा उनके साथ जिंसी तौर पर या इस तरह की कोई ख़राबी ना हो सके। बहुत शुक्रिया साथ रहने का।